Hello friends, welcome to wifistudy, changing the way of learning. First of all, happy engineers day to all of you. ठीक है, और आज अपनी क्लास, जैसे आप सभी जानते हैं टाइम फिक्स अपना 12 PM होता है, बट आज थोड़ा 10 मिनट लेट हुआ है तो उसके लिए माफी चाहते हैं. ठीक है, अब देखिए, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, जो भी अपना फ्लूइड मैकेनिक्स है ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है. जो दो चार टॉपिक स्किप्ड किए थे वो पूरा यहाँ पर कवर करके पूरा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स कवर. ठीक है, तो जो टॉपिक बचे हुए थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो बचा हुआ पार्ट था अपन वो भी स्टार्ट कर लेंगे 1:40 से. ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बचा हुआ है, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ है, शेयर स्ट्रेस, जो भी चैप्टर बचे हुए हैं सारे आज कंप्लीट कर लेंगे. तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड मैकेनिक्स के जो बचे हुए टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हर साल गेट में से क्वेश्चन आते ही है, चाहे भी मैं वेंचुरी मीटर विद यूट्यूब मैनोमीटर बताऊंगा. वैसे वेंचुरी मीटर मैं आपको बता चुका हूं, विद यूट्यूब मैनोमीटर के हर साल क्वेश्चन आते हैं, दो साल से तो लगातार आ रहा है. ठीक है, पिटॉट ट्यूब अपन कर लेंगे, पिटॉट ट्यूब क्या है, दो साल से क्वेश्चन. ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है, जो अपन ने करा था बिल्कुल वैसा ही है, बट यूट्यूब मैनोमीटर के साथ कैसे यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट का वो अपन को देखना है. तो ज्यादा से ज्यादा जने कनेक्ट हो जाइए, अपन सेशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हाँ, तो सेशन अपन स्टार्ट कर रहे हैं. वेंचुरीमीटर में आपको बता चुका हूँ, फ्लूइड डायनेमिक्स में जो एक दो टॉपिक स्किप थे वो मैं बताता हूँ, उसके बाद में फ्लूइड काइनेमेटिक्स का जो एक दो टॉपिक स्किप थे सारा अपना कवर हो जाएगा. जैसे अपने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन हो गया, कुछ बच्चे बोलते हैं वोर्टिसिटी क्या होता है, ये देखिए एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग में तो वो आता नहीं है वोर्टिसिटी वगैरह, बट इंपॉर्टेंट गेट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी बता रहा हूँ वो एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है. और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन 1:40 से स्टार्ट होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए. देखो वेंचुरीमीटर मैंने आपको बताया था क्या होता है, पूरा आपको डेरिवेशन करवाया था मैंने, डिस्चार्ज अपने कैसे निकला था. तो वेंचुरीमीटर में आपको इन शॉर्ट में आपको वापस बताऊंगा, जिससे आपको पूरा आपका रिवीजन हो जाए कि अब यूट्यूब मैनोमीटर में और उसमें डिफरेंस आ किस वजह से रहा है. ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए वेंचुरीमीटर. वेंचुरीमीटर विद यूट्यूब मैनोमीटर. ठीक है, जिन्होंने पहले वेंचुरीमीटर पढ़ा हुआ है उनको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, उनको डिफरेंस आ कहां से रहा है और कुछ भी नया डिफरेंस नहीं है. देखिए वेंचुरीमीटर मैंने क्या बोला था, एक डिवाइस है. ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं अपन, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए. और जो इसका अरेंजमेंट कैसा है, एक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग डिवाइस है. ठीक है, तो इसका मैं बताता हूं आपको, ये आपकी वेंचुरीमीटर, ये पहले कन्वर्ज होती है. ठीक है, फिर डाइवर्ज होती है. डाइवर्जिंग सेक्शन की लेंथ क्या होती है, कन्वर्जिंग से ज्यादा रहती है. ये सेक्शन कौन सा है, कन्वर्जिंग है, ये सेक्शन कौन सा है, डाइवर्जिंग है. ठीक है, अब एक चीज बात बताइए, अपनी बात हुई थी कि वेंचुरीमीटर क्या डिस्चार्ज क्या मेजर करता है, डिस्चार्ज मेजर करता है. और डिस्चार्ज कैसे मेजर करता है, लेट सपोज ये इसका क्या है, मिडल एक्सिस है, ये आप ले लीजिए 1, ये आप मान लीजिए 2. ठीक है, क्योंकि ये मेरे को थोड़ा सा रिवाइज करवाना जरूरी है, वरना यूट्यूब मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाएंगे. और बहुत इजी है और हर साल क्वेश्चन आता है गेट से. तो जब आपने अप्लाई करा बर्नौली इक्वेशन इन दोनों के बीच में, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2, इन दोनों के बीच में मैं क्या कर रहा हूं, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं. ठीक है, तो अब देखिए हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, डिस्चार्ज मेजर कैसे कर रहा था, इसका वेंचुरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्या था. मैंने आपको बताया था कि यहां से इस सेक्शन से, इस सेक्शन 1 से जैसे ही सेक्शन 2 की तरफ चल रहे हैं, अपना जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या होता जा रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता जा रहा है. इस सेक्शन से जैसे इस सेक्शन की तरफ चल रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता जा रहा है. क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और आपको पता है बर्नौली इक्वेशन क्या बोलती है, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और पोटेंशियल हेड, तीनों हेड का जो समय रहता है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट. तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो टोटल हेड तो कांस्टेंट रहेगा, तो या तो प्रेशर हेड डिक्रीज होगा या फिर पोटेंशियल हेड. अब यहां से यहां पर पोटेंशियल हेड तो कुछ में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो क्या होगा, इस जगह प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं बोलूं P1 / रो जी प्लस Z1, ये इतनी बात अपन कर चुके थे, माइनस P2 / रो जी
प्लस जेड टू इज इक्वल्स टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी। ये सारी बातें अपन कर चुके थे इतनी। अब एक चीज आप ध्यान से सुनिए, लेट सपोज ये आपका मान लीजिए डेटम है, ठीक है ना, एक रेफरेंस प्लेन मान लीजिए और कुछ भी नहीं है ये है, तो ये मान लीजिए ये जेड वन ये जेड टू, जेड वन और जेड टू दोनों सेम प्लेन पे, जेड वन और जेड टू क्या दोनों सेम प्लेन पे। अब क्या होगा, इस जगह अपन को प्रेशर देखना है क्योंकि बिना प्रेशर के अपन कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपने क्या करता, इस जगह पीजोमेट्रिक ट्यूब लगा दी थी, इस जगह भी पीजोमेट्रिक ट्यूब लगा दी थी। तो जैसे ही आपने पीजोमेट्रिक ट्यूब लगाई, इस जगह क्या लगाई थी आपने, पीजोमेट्रिक ट्यूब, ठीक है, इस जगह आपने क्या लगाई थी, पीजोमेट्रिक ट्यूब, और इनमें कुछ फ्लूड यहाँ तक राइज हो गया था क्योंकि इधर प्रेशर ज़्यादा है, इधर कुछ ऐसा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है, इसी को अपन ने नाम क्या दिया था, इसको नाम दिया था एच, और आपका जो फॉर्मूला निकल के आया था, ठीक है, वापस डेरिवेशन नहीं करवा रहा, बिल्कुल सिंपल है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पी वन बाय रोजी प्लस जेड वन ये हेड माइनस ये हेड माइनस ये हेड, जो टोटल इनका डिफरेंस है लेट सपोज एच, तो उसको अपन ने नाम दिया एच, इसको नाम दे दिया एच इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी। फिर V2 को अपन क्या लिख रहे थे, Q2 अपॉन A2 ऐसे कुछ कर करके अपना एक डिस्चार्ज का फॉर्मूला आया था, पूरा डेरिवेशन मैं आपको करवा चुका हूँ, वो आया था A1 A2 रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला आया था, पूरा डेरिवेशन मैं आपको करवा चुका था। अब देखिए कॉन्सेप्ट डिफरेंस क्या है दोनों में, वेंचुरी मीटर विद यू टू मैनोमीटर, इतनी चीज अपन पहले पढ़ चुके थे। आपने क्या देखा कि इन दोनों के बीच में अपन डिफरेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है पीजोमेट्रिक हेड का। जैसे ही ये एच इसके अंदर रखेंगे, जैसे ही ये एच इस फॉर्मूले में रखेंगे, आपके पास क्या आ रहा था, डिस्चार्ज आ रहा था। जैसे ही ये एच आ रहा था, जैसे ही ये एच इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस पता रहा, जैसे ही आप एच इसमें रख रहे थे, डिस्चार्ज आ रहा था। तो मुझे एक चीज बताइए, यहां से यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रेशर डिफरेंस आ रहा होगा, और वो प्रेशर डिफरेंस पहले अपन पीजोमीटर ट्यूब से देख रहे थे, अब वही प्रेशर डिफरेंस आप कहीं से देखेंगे अपन यूट्यूब मैनोमीटर से। तो मैंने इतना क्लियर कर दिया अपन पढ़ने वाले क्या, दोनों में डिफरेंस कहां से आने वाला, वापस बता रहा हूं, यहां से यहां पर जा रहे हैं तो एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी चेंज हो रहा है, और प्रेशर को चेंज में जो भी चेंज आया वो अपने पीजोमेट्रिक ट्यूब से देख लिया था, और जैसे ही चेंज अपने रखा अपन को डिस्चार्ज मिल गया, ठीक है। तो अपन यूट्यूब मैनोमीटर से क्या कर रहे हैं, जस्ट प्रेशर का डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि देखो प्रेशर चेक करना है कि प्रेशर में चेंज कैसे हो रहा है, तो आप पीजोमेट्रिक ट्यूब से कर लो या यूट्यूब मैनोमीटर से कर लो। तो यूट्यूब मैनोमीटर वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताता हूँ, गेट में आ चुका है, ठीक है। तो अब करते हैं, ये आई होप आपने लिख लिया होगा, पहले भी मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था। अब चलते हैं वेंचुर मीटर विद यूट्यूब मैनोमीटर। देखिए ये आपका वेंचुर मीटर, ये कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग, ठीक है, ये कन्वर्जिंग ये डाइवर्जिंग। अब आप क्या कर रहे हैं, जो आपने सेक्शन लिया था ना, सेक्शन वन और ये सेक्शन टू, इन दोनों के बीच के प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपने सब कुछ निकाल चुके थे। तो अपन क्या करेंगे, मैंने आपको प्रेशर मेजरिंग डिवाइस में एक प्रेशर मेजर करने की एक डिवाइस पढ़ाई थी, वो क्या थी, यूट्यूब मैनोमीटर। इसमें क्या होता है, एक मैनो, इसमें जो भी फ्लूड होता है मैनोमेट्रिक फ्लूड बोलते हैं, जनरली अपन मरकरी यूज करते हैं, ठीक है। तो मरकरी अपन ने इसमें दोनों, अभी दोनों साइड क्या है, मरकरी फिल है, और उनको दोनों का लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर क्या है, इक्वल है। जैसे ही आप ये उठा के इन दोनों के बीच में इंसर्ट करोगे, जैसे ही ये आप उठा के इन दोनों के बीच में आप करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, देखते हैं, देखिए, ठीक है, ये वाली ट्यूब में इसमें इंसर्ट कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। ये आपने लगा दिया इसमें यूट्यूब मैनोमीटर, आई होप दिख रहा होगा आपको। अब आप देखिए, अब जो मैनोमेट्रिक, जो पहले प्रेशर का डिफरेंस अपन पीजोमेट्रिक ट्यूब से देख रहे थे, सेम चीज अब अपन कैसे देखेंगे, यूट्यूब मैनोमीटर से। ऑब्वियसली इस जगह प्रेशर ज्यादा है, इस जगह प्रेशर क्या है, कम है, तो इसमें जो मरकरी होगा, जो भी मैनोमेट्रिक फ्लूड होगा, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, क्यों, इस जगह प्रेशर ज्यादा है, इस जगह प्रेशर कम है, तो कुछ जो अपन को मिलेगा डिफ्लेक्शन, कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, ये कुछ डिफ्लेक्शन जो आपको मिलेगा वो ऐसा मिलेगा।
लेट सपोज जो डिफ्लेक्शन आया, ये लिम्ब है, ये यूट्यूब मैनोमीटर है, जो यू शेप की जो ट्यूब है, इसमें जो डिफ्लेक्शन मिला, लेट सपोज ये मिला अपन को एक्स, ये आपको क्या मिला, एक्स मिला मान लीजिए। तो सेम चीज जैसे वो डिफरेंस पिछले केस में क्या होता है, जिसमें अपन पिजोमेट्रिक ट्यूब से चेक कर रहे थे, उसमें पी वन बाय रो जी प्लस जेड वन माइनस पी टू बाय रो जी प्लस जेड टू, ये आपको क्या नाम दे रहे थे, अपन एच दे रहे थे, और इस एच ही अपने लिए इंपॉर्टेंट था, जेड वन और जेड टू कहते हैं, दोनों सेम लेवल पे थे, तो जेड वन और जेड टू कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा पी वन माइनस पी टू अपॉन रो जी इज इक्वल टू एच। इसका मतलब क्या है, दोनों पॉइंट के प्रेशर हेड का डिफरेंस जो आपको एच मिल रहा था पीजोमेट्रिक ट्यूब से, अब दोनों पॉइंट का जो प्रेशर हेड का डिफरेंस है अब अपन निकालेंगे किससे, यूट्यूब मैनोमीटर से। तो निकालते हैं कैसे निकलता है, तो आपने जैसे यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट किया, डिफ्लेक्शन मान लीजिए एक्स हुआ, ये डिस्टेंस आप मान लीजिए, ये सेंटर से ही मान लीजिए, ये मान लीजिए वाई, ये सेंटर से ये मान लीजिए वाई, तो ये भी कितना हुआ, ये भी हुआ वाई। इतनी चीज क्लियर, अब बताइए कोई दिक्कत हो तो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो यहां तक आप बताइए, देखिए तो ये आपके पास आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, देखो सब चीज मैं बता चुका हूं, यहां से अपन स्टार्ट करेंगे P1, लेट सपोज इस ये जो सेक्शन 1 है, इस जगह मिड पॉइंट पे प्रेशर क्या है, P1 मिड पॉइंट पे क्यों लेते हैं, सब चीज अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो जो रिमेनिंग टॉपिक थे बस मैं वही बता रहा हूं। लेट सपोज इस जगह प्रेशर क्या है P1, इस जगह प्रेशर गया P2, पर अपन को ये चीज निकालना है, क्योंकि ये चीज जो आपको पिजोमेट्रिक ट्यूब देख रहा था अब अपन को देना यूट्यूब मैनोमीटर कैसे निकालेगा। तो करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, एक पॉइंट को पकड़ना है, दूसरे पॉइंट तक आना है, तो अब यहां से यहां पर आ जाइए या फिर यहां से यहां पर आ जाइए। अगर दोनों पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंस रहता, प्रेशर डिफरेंस कुछ नहीं रहता, अगर मान लीजिए आप बोलेंगे कि हमको कैसे पता है डिफ्लेक्शन हो रहा है, अपन को कैसे पता, तो मान लीजिए अगर वन और टू पे दोनों पे अगर प्रेशर क्या रहता, इक्वल रहता, दोनों पे प्रेशर क्या रहता इक्वल, तो आप मुझे बताइए इसमें कोई डिफ्लेक्शन होता क्या, इसमें कोई डिफ्लेक्शन होता क्या, इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका कारण क्या है, क्योंकि दोनों के प्रेशर में डिफरेंस है, अगर दोनों के प्रेशर में डिफरेंस ही नहीं होता तो कुछ डिफ्लेक्शन नहीं होता, दोनों क्या रहती सेम लेवल पे। तो जैसे ही आपने कनेक्ट किया आपको कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन मिला, दोनों के लेवल में कुछ डिफरेंस मिला, इसका मतलब क्या है, यह तो पता है दोनों के प्रेशर में क्या डिफरेंस है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है, कुछ भी कर लीजिए, यहां से स्टार्ट होके जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वहीं से चलते हैं। तो लेट सपोज P1, इस जगह प्रेशर क्या है P1, ठीक है, और जो इसमें फ्लूड फ्लो हो रहा है, जो इसमें फ्लूड फ्लो हो रहा है, लेट सपोज उसकी डेंसिटी आपको दे रखी है रो, जो इसमें फ्लूड डेंस जो फ्लूड फ्लो रहा है, जिसकी आपको वेलोसिटी निकालनी है, उसकी डेंसिटी दे रखी है रो, और जो मैनोमेट्रिक फ्लूड आपने फिल कर रखा है उसमें डेंसिटी, लेट सपोज उसकी डेंसिटी है रो ए, जस्ट सिंपल, सारी चीज आपको मिल चुकी है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, लेट सपोज यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट करूंगा और यहां तक चलूंगा, ध्यान से समझिए। तो पी वन प्लस ये फ्लूड हो रहा है रो जी वाई, जैसे नीचे आएंगे प्लस आएगा, आपको बताया था रो जी वाई, ठीक है, रो जी वाई प्लस रो जी एक्स प्लस रो जी एक्स रो जी वाई प्लस रो जी एक्स, यहां पर आ चुके, यहां से यहां पर अपन क्या मार सकते हैं, जंप मार सकते हैं, यहां से यहां पर आप क्या मार सकते हो, जंप मार सकते हो। अब जैसे ही ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कितना होगा, माइनस रो एम जी एक्स, आप खुद भी ट्राई करिए इक्वेशन लिखने का, रो एम जी एक्स ऊपर जा रहे हैं माइनस, फिर ऊपर जाएंगे, अब ये जो इसमें फ्लूड है कौन सा है, रो डेंसिटी है उसकी, माइनस रो जी वाई इज इक्वल्स टू पी टू, ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ चुकी। इस इक्वेशन में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, यही इक्वेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मैंने बता रखा है आपको इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है, आपको क्या करना है, देखिए वापस बताता हूँ, यहाँ से चलना है पी वन, जैसे नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ेगा रो जी वाई प्लस रो जी एक्स, अब यहाँ से यहाँ पर आप जंप मार सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ पर आप जंप मारेंगे तो ये फ्लूड आप कौन सा है, मैनोमेट्रिक फ्लूड है, तो जैसे ऊपर जाएंगे माइनस आएगा, माइनस रो एम, कितनी हाइट का फ्लूड है, एक्स हाइट का है, तो माइनस रो एम जी एक्स, और ऊपर जाएंगे इस हाइट के जो इस हाइट का फ्लूड है उसकी वजह से प्रेशर आएगा, और ऊपर चल रहा है तो माइनस आएगा, माइनस रो जी वाई इज इक्वल टू पी टू, बताइए, ठीक है, हाँ, अब आपको ये पता पड़ चुका है, तो देखिए आप कुछ कैंसिल करते हैं, तो क्या होगा, रो जी एक्स रो जी वाई से प्लस रो जी वाई से माइनस रो जी वाई कैंसिल, प्लस रो जी वाई से माइनस रो जी वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इस जगह आपको क्या बचेगा P1
पी वन माइनस पी टू इज इक्वल्स टू रो एम जी एक्स माइनस रो जी एक्स, ठीक है। पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू रो एम जी एक्स माइनस रो जी एक्स। यहाँ से आप क्या करेंगे, पी वन माइनस पी टू दोनों साइड जी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, रो एम इंटू एक्स माइनस रो इंटू एक्स, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड जब डेंसिटी ऑफ फ्लूड जो फ्लो हो रहा था अगर दोनों साइड उससे डिवाइड करेंगे रो जी, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स यहाँ से कॉमन आ गया तो ये मिलेगा रो एम अपॉन रो माइनस वन। देखिए तो जो प्रेशर हेड का डिफरेंस पिछली बार अपन को ऐसे मिल रहा था पिजियोमेट्रिक ट्यूब में, अब यूट्यूब मैनोमीटर कैसे दे रहा है ऐसे, तो यूट्यूब मैनोमीटर में आपको कैसे मिलेगा, जैसे उसमें तो सीधा आपको एच मिल गया था, इस जगह क्या मिलेगा आपको एक्स मिल जाएगा। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा एक्स, आपको सब चीजें पता है, जैसे ही पुट करोगे आपके पास ही आ गया। तो इस केस में फॉर्मूला वगैरह सब चीजें क्या रहेगी, सेम रहेगी, बस ये किसके इक्वल हो जाएगा एच के, ये किसके इक्वल हो जाएगा एच के, जो आपका फॉर्मूला था, फॉर्मूला आपका क्या था, क्यू इजिकल्स टू ए वन ए टू रूट टू जी एच अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। तो इस केस में एच क्या हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कोई डाउट हो आपको तो बताइए, ये कोई डाउट हो तो आप बताइए। बस स्केच में आपको देखना क्या है, डिफरेंस क्या है, मैनोमीटर में अपन क्या करेंगे, ये एक्स अपन को पता पड़ जाएगा, जैसे ही एक्स इस फॉर्मूले में पुट करेंगे आपके पास अब एच, वहाँ तो एच आपको सीधे सीधे मिल रहा था, यहाँ पर इस फॉर्मूले में जैसे एक्स करेंगे तो क्या रहता है ये। अब आप ऐसे मत सोचिए इसमें कैलकुलेशन हार्ड गई, पूरा इलेक्ट्रिक वो होता है, पूरा होता है सिस्टम, जैसे डिफ्लेक्शन आएगा अपने हिसाब से कैलकुलेट करके आपको डिस्चार्ज दे देगा वो, ऐसे नहीं आप कैलकुलेटर में बैठ रहे हैं पहले डिफ्लेक्शन देख रहे हैं फिर उसकी डेंसिटी रख रहे हैं, वो सब सेटअप होता है ओरिजिनली, ठीक है, सब पहले से सेटअप होता है, तो सीधे आपको डिस्चार्ज निकाल के देखता है कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट पे चलता है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। तो सेम चीज रहेगी, एच आपको उस फॉर्मूले में पुट करना है, तो यूट्यूब मैनोमीटर जो आपका वेंचुरी मीटर था वह यूट्यूब मैनोमीटर से भी मैंने आपको क्या कर दिया, समझा दिया। कोई भी डाउट हो आप पूछिए, जल्दी जल्दी बताइए वरना आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, सबके थम्सअप आ चुके हैं, जल्दी जल्दी थम्सअप कर दीजिए फिर अपन आगे चलते हैं। इसमें कोई भी डाउट हो फिर बोल रहा हूं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो बच्चे बोल रहे हैं इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर हो, पहले बात तो ये बताइए, इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर जब मैंने आपको बताया था इसके लिए मैंने क्या बताया था, लो प्रेशर के लिए होता है। यहाँ पर यू ट्यूब मैनोमीटर कहाँ इन्वर्टेड की बात करो आप, डिफरेंस तो देखो कहाँ पर कहाँ यूज होता है। पी वन एंड पी टू कब इक्वल होंगे भाई, पहली बात तो देखिए, एक चीज बताऊँ आपको मैं, ये कॉन्सेप्ट है फ्लूइड डायनेमिक्स पहले का, जब तक अपन को जानते नहीं थे लॉस क्या होता है, क्योंकि भाई कायदे से अपन फ्लूइड डायनेमिक्स पहले पढ़ते हैं उसके बाद में पढ़ते हैं लेमिनार फ्लो। आप ये बताइए यहाँ तक अपन सब इक्वल कर रहे थे, लेकिन अपने जो लॉसेज वॉसेज वो बाद में पढ़े हैं, तो एक चीज़ बताइए प्रेशर कब इक्वल रहता, ये जब क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल सेम रहता, क्योंकि ना वेलोसिटी का लॉस होता और ना प्रेशर का लॉस होता, तब उस केस में क्या रहता, इक्वल रहता। एक ही होता है कि एच इजिकल्स टू एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब बहुत जने क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या कर लेते हैं, ये रट लेते हैं एच, ठीक है, अच्छी बात है आपने रट लिया, एच इजिकल्स टू एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड अपॉन डेंसिटी, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड, इसको मरकरी मत समझ लेना, जरूरी नहीं है हर बार मरकरी लगाए, उनकी इच्छा मैनोमेट्रिक फ्लूड कोई सा भी यूज करे। तो बच्चे क्या करते हैं, ये फॉर्मूला याद रख जाते हैं, इसको समझ लेते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूड को अपन समझ लेते हैं मरकरी, और हर जगह 13,600 पुट करते रहते हैं और आंसर फिर गलत आते हैं। तो याद रखिए क्वेश्चन में देखिए तो सर कि मैनोमेट्रिक फ्लूड कौन सा यूज कर रहा है, ये सेम कॉन्सेप्ट आपको सब कॉन्सेप्ट पता होने के बावजूद क्वेश्चन गलत करके आते हैं गेट में, क्योंकि गेट में मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल ऐसे थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, रटने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आपका सही है, आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना आया कहां से। तो डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड है वो उनकी इच्छा, आप कोई से भी यूज करें, कई जगह भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जो गेट में है उसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूड उसमें वाटर भी यूज कर रखा है, अब आप क्या करोगे, आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि नहीं मरकरी यूज करते हैं, उनकी इच्छा कुछ भी यूज करें, ठीक है।
अब चलते हैं आगे, कोई दिक्कत हो तो बताइए। और ये चीज कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, वेंचुरमीटर, इसका जस्ट एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो आपने पढ़ लिया होगा, मैंने उसमें पढ़ाया था फ्लूइड डायनेमिक्स में एप्लीकेशन और बर्नौली इक्वेशन में पूरा पूरा वेंचुरमीटर समझा रखा है, तो वहां देखिए। अभी देखिए न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, तो आपको पता पड़ गया अगर यूट्यूब मैनोमीटर यूज करेंगे तो उस केस में एच क्या हो जाएगा, उस केस में एच क्या हो जाएगा, उस केस में एक्स हो जाएगा एक्स रो एम अपॉन रो माइनस वन। ये चीज आपके पास आ चुकी। रो क्या है, फिर बोल रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूड विच इज फ्लोइंग, जिसके अपन निकाल रहे हैं ना डिस्चार्ज, वो ये। अब देखिए एक जादू, अब आप क्या करोगे, आप जानते हो मैंने एक टर्म बताया था रिलेटिव डेंसिटी एस नाम से, जिसने पहली क्लास ली है उसको पता पड़ जाएगा, एस नाम से एक टर्म बताया था रिलेटिव डेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। एस क्या है, रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर बताया था मैंने वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, तो कंफ्यूज मत होइए। हाँ, जो जिन बच्चों को प्रॉब्लम रहती है पीडीएफ की, तो आप क्या करेंगे, जो सेशन खत्म होगा उसके बाद में वाईफाई स्टडी ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस सेशन की पीडीएफ, ठीक है। अब देखिए जो एस होता है वो क्या था, रिलेटिव डेंसिटी। अब आप क्या करेंगे, इसको मैंने कैसे बताया था कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये टर्म अपन ने बताया था। और स्टैंडर्ड फ्लूड क्या होता है, अगर फ्लूड की बात करें उसके केस में स्टैंडर्ड फ्लूड वाटर था, और गैस में बात करें तो स्टैंडर्ड फ्लूड क्या था, एयर। तो आप जब दोनों साइड ऊपर और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करेंगे, सॉरी, आप जब दोनों टर्म में ऊपर और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एच इज इक्वल्स टू एक्स डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ ये फ्लूड है, ठीक है, और अपॉन डेंसिटी माइनस वन। फिर बता रहा हूं आपने क्या किया, डेंसिटी ऑफ वाटर से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि डेंसिटी जैसे फ्लूड होता है उसके लिए स्टैंडर्ड फ्लूड कौन सा होता है, अगर बात करें लिक्विड, लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूड क्या होता है, वाटर होता है, गैसेज के केस में स्टैंडर्ड फ्लूड क्या होता है, एयर। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो इधर क्या होगा, एच इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एस एम अपॉन एस माइनस वन। एक फॉर्मूला नया निकल के ये आता है, एक नया फॉर्मूला निकल के ये आता है, ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड, और ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूड जो फ्लो हो रहा है जिसका अपन डिस्चार्ज निकाल रहे हैं माइनस वन। तो एक चीज बताइए, अगर मैनोमेट्रिक फ्लूड आपने मरकरी यूज करा, मरकरी के केस में जो रिलेटिव डेंसिटी आती है वो कितनी आती है, 13.6, और अगर वाटर के केस में बात करें, वाटर में क्या होती है ये, तो ये किसकी है, फ्लूड की है जो फ्लो हो रहा है, यहाँ तक बताइए, जो फ्लूड फ्लो हो रहा है ना तो उसकी है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट पूछूंगा, पहले तो आप बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी, इसमें कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताइए, मैं फिर आगे चलूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा बहुत अच्छा। जल्दी थम्सअप कर दीजिए, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, फिर अपन आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन पूछूंगा बहुत अच्छा, क्योंकि अगर ये दो तीन चीज़ें पकड़ ली फिर आपके गेट के क्वेश्चन भी आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चे रट के जाते हैं, ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होने के बावजूद आप गलती करके आओगे, वो मैं गलती बताऊंगा कहाँ पर होती है गलती, ठीक है। कंटिन्यूसली 2016 और 2017 में क्वेश्चन आया सेम कॉन्सेप्ट पे, उसमें गलती करिए पूरा कॉन्सेप्ट पता होने के बावजूद। आपने क्या किया, वापस बताता हूँ, H आपको निकालना था, तो जैसे ही आपको डिफ्लेक्शन पता पड़ेगा X का तो आपको H मिल जाएगा, और जैसे ही आप H इस फॉर्मूले में रखोगे, Q इज इक्वल्स टू ए वन ए टू रूट टू जी एच अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था आपके पास,
जैसे ही आपको x मिल जाएगा, इससे आपको h मिल जाएगा, h इस फॉर्मूले में रखेंगे तो डिस्चार्ज मिल जाएगा। मैं बताऊं गेट में ये किसी काम का नहीं है, क्यों कोई पूछता नहीं, इतना बड़ा फॉर्मूला उसका कैलकुलेशन करवाने का आपसे मकसद नहीं है, मेन है कॉन्सेप्ट का, बस यहाँ तक आता है, ठीक है। तो जैसे ही आपको h मिल जाएगा, आप उस फॉर्मूला के डिस्चार्ज मिल जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसको मॉडिफाइड कर रहा हूँ, इसी फॉर्म को मैं मॉडिफाइड कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, x ऐसा कैसा था, डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड में मैंने डेंसिटी ऑफ वाटर से क्या करा, डिवाइड करा। लो इधर लिख देता हूँ वाटर, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, वाटर अपन डेंसिटी ऑफ फ्लूड, नीचे भी वाटर से बात करा। अगर कोई लिक्विड कर रहा है तो लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूड क्या होता है, वाटर, तो मैंने वाटर से करा, तो ये आ गया आपके पास रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूड विच इज फ्लोइंग, जिसका अपन डिस्चार्ज निकाल रहे हैं, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब एक छोटी सी चीज़ बताओ, ये फॉर्मूला सही है या गलत है, ये जो आपने फॉर्मूला निकाला है ये फॉर्मूला सही है या गलत है, अगर आप इसे अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते, एग्जाम में कर सकते हो तो कहाँ कर सकते हो, नहीं कर सकते तो कहाँ नहीं कर सकते, बस यही इस चीज़ का जवाब दीजिए, इसी से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। ये फॉर्मूला तो ठीक है, सही है, आपके सामने मैं निकाला, हर एक चीज़ जेन्युइन रखी है, एक एक चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट के साथ रखी है, फिर भी बताइए ये जो फॉर्मूला है वो आपने सही है या गलत है, कहाँ पर यूज नहीं कर सकते इस फॉर्मूले को, मुझे इतनी सी चीज़ बताइए। ठीक है, इस फॉर्मूले को कहां पर यूज नहीं कर सकते, फॉर्मूला बच्चे बोल रहे हैं सही है, सही है, ठीक है, मैंने मान लिया, सब जगह यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत बढ़िया, एक बच्चे का सही जवाब आया। कहां पर नहीं कर सकते, ओनली एप्लीकेबल व्हेन फ्लूइड फ्लोइंग इज वाटर, क्यों, कुछ ऐसा कुछ दूसरा लिक्विड फ्लो कर रहा है तो नहीं कर सकते। इसमें जैसे आप डालोगे मैनोमेट्रिक फ्लूड, तो आपको पता ही है कौन सा यूज़ कर रहे हो, और जैसे उसकी डेंसिटी नहीं डाल सकते, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी आप नहीं डाल सकते कोई दूसरे फ्लूड की, कोई दूसरे उसकी। अगर फ्लोइंग फ्लूड की डेंसिटी कम है, देखो ये चीज़ आप कॉन्सेप्ट लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो, दूसरा मैं बता रहा हूँ कहाँ दिक्कत आ सकती है आपको। मुझे एक चीज़ बताइए, जो मेन फॉर्मूला है ना वो तो ये है, ठीक है, कहीं नहीं अटकोगे अगर इस फॉर्मूले पे टिक के रहोगे, ये फॉर्मूला आपने लगाया, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको कई बार रिलेटिव डेंसिटी देता है, तो हो सकता है आप सीधे अप्लाई कर दो ये फॉर्मूला, नो डाउट। बट मुझे एक चीज़ बताइए, अगर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा था, जो आपको फ्लूइड फ्लो हो रहा था, लेट सपोज पाइप में फ्लो हो रहा था, अगर आप मान लीजिए वो एयर होती, वो क्या रहती, अगर एयर रहती तो इस जगह किसकी, सॉरी इस जगह किसकी वैल्यू, किसकी डेंसिटी आएगी, एयर की, मैनोमेट्रिक फ्लूड कुछ भी हो सकता है, इस जगह क्या रहेगी, एयर की। अब ध्यान रखना, अगर जैसे ही आपने डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करा, डेंसिटी ऑफ वाटर का डिवाइड करा, तो ऊपर तो आपको रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी बट नीचे नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि जो एयर फ्लो हो रही है उसके लिए स्टैंडर्ड फ्लूड क्या है, एयर है, वाटर नहीं है। तो ये किसके केस में, केवल और केवल लिक्विड के केस में, ध्यान रखो केवल और केवल लिक्विड के केस में, ये फॉर्मूला किसके केस में, केवल और केवल लिक्विड, और ये किस में है, ये तो बिल्कुल जेन्युइन है, हर जगह एप्लीकेबल है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो, इसलिए बच्चे रट के जाते हैं ये वाला, इसलिए मैं बता रहा हूँ कहाँ गलती होती है, क्योंकि 2016-2017 में दोनों में यही गलती करवाई है गेट ने, सारा कॉन्सेप्ट पता होने के बावजूद आप गलत करके आते हो। तो मैं फिर बता रहा हूँ ये सब जगह एप्लीकेबल है, जैसे ही आपने ये एक स्टेप आगे करा, इसको मॉडिफाइड करा, अब आप रिस्ट्रिक्टेड हो गए क्या, अब आप लिक्विड के लिए ही लगा सकते हो, बताइए कोई दिक्कत, अब बता दिए कहाँ पर यूज होता है। तो अब आगे चलते हैं, देखिए हाँ, लिक्विड के लिए होता है, अब मैंने बता दिया किस वजह से हो रहा है, क्या कारण है, क्वेश्चन वोशन सब बताऊंगा। तो वेंचुरी मीटर विद यूट्यूब मैनोमीटर, आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरा। अब चलते हैं पिटोट ट्यूब पे, अब आगे चलते हैं पिटोट ट्यूब पे।
अब बेसिकली पिटॉट ट्यूब में अपन पढ़ेंगे क्या, पिटॉट ट्यूब आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, बस यूट्यूब मैनोमीटर के साथ कैसे यूज करेंगे। और ये पिटॉट ट्यूब विद यूट्यूब मैनोमीटर जितने स्टार डाल सकते हो डाल दो, 3 बार गेट में क्वेश्चन आया और 2 साल से तो लगातार आ रहा है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए पिटॉट ट्यूब विद यूट्यूब मैनो इसके जस्ट बाद न्यूमेरिकल से गेट के बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिक सारे मैं आपको पहले बता चुका हूं, अब थोड़ा अच्छा है और इतना कुछ नहीं है। देखिए बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट, चलोगे कहीं कुछ गलती नहीं आएगी, जितनी भी जहां भी गलती हो सकती थी सब मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, आपके इजिली बन जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है तो पहली लाइन में सिर्फ लिखता हूं, बात करते हैं पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब क्या होती है, जो किसके लिए यूज होती है, वेलोसिटी मेजर करने के लिए, आपको चीजें बताई थी मैंने। और कैसे करती है, पहले मैं आपको वो जो पहले बताया था वही 2-3 मिनट में मैं आपको वो बताऊंगा, जिससे आपको डिफरेंस तो समझ में है कि हो क्या रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज होती है, ये एक एल शेप की ट्यूब होती है, पूरा मैं वापस बताता हूं, 2 मिनट लगेंगे। तो देखिए लेट सपोज ओपन चैनल फ्लो है कोई, ये क्या फ्लो हो रहा है मान लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो पिटॉट ट्यूब क्या होती है, एक एल शेप की ट्यूब होती है, ये क्या होती है, एल शेप की ट्यूब होती है, जो इसमें आप इंसर्ट करते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, एल शेप की ट्यूब होती है, आप इसमें क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, देखिए अब हो क्या रहा है, फ्लो हो रहा है, आपको निकालनी है वेलोसिटी। लेट सपोज ये पॉइंट मैंने नाम दे दिया, इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया पॉइंट नंबर 1, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस पॉइंट पे आपने नाम दे दिया पॉइंट नंबर 2। होगा क्या, आपको निकालनी है वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी। तो जैसे ही आप ये एल शेप की ट्यूब आप इंसर्ट करोगे, होगा क्या, जो फ्लूड फ्लो हो रहा है ना, फ्लूड फ्लो रहा है, इसमें देखिए छोटा सा गैप है, अब इसमें से एंटर करेगा, जैसे ही इसमें एंटर करेगा, जैसे ही इसमें एंटर करेगा, जो पार्टिकल होंगे ना फ्लूड के, वो क्या हो जाएंगे, उनकी जो वेलोसिटी हो जाएगी ना इस जगह, इस पॉइंट पे अंदर, जैसे इसमें जाएंगे इस पॉइंट पे, इन पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दीजिए क्योंकि मैंने बता रखा है, इस पॉइंट को बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इस जगह जैसे ही वेलोसिटी 0 हुई, इसको पॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट। अब आप जानते हैं बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। ये चीज़ आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, सबके आगे स्टैग्नेशन पॉइंट, हाँ स्टैग्नेशन पॉइंट ही बोलते हैं उसको, क्लियर। अब आपने बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करी कहाँ पर, एक ये पॉइंट, एक ये दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट कहाँ है, पिटॉट ट्यूब के जस्ट अंदर है। आपको मैंने क्या बोला, इस पॉइंट पे जैसे जाते हैं इधर वेलोसिटी 0 हो जाती है, उस पॉइंट को आपने नाम दिया स्टैग्नेशन पॉइंट। तो देखिए सेकंड पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये टर्म आपका क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। 1 और 2 क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो Z1 कैंसिल, Z2 कैंसिल। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, आपके पास V1 स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू आपके पास आ चुका है P2 माइनस P1 अपॉन रोजी। देखिए ध्यान से समझो, अब क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो चुकी 0, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो चुकी 0। जैसे ही वेलोसिटी 0 हुई, टोटल हेड तो कॉन्स्टेंट रहेगा, टोटल एनर्जी तो कॉन्स्टेंट रहेगी, तो जो वेलोसिटी 0 हुई किसमें चेंज हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज होकर जो फ्लूड फ्लो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा राइज कर जाएगा। लेट सपोज ये जो राइज किया, ये मान लीजिए एक्स, ये क्या मान लीजिए आप, ए एक्स मान लीजिए,
ये डिस्टेंस आप मान लीजिए एक्स नॉट, ये भी क्या हो जाएगी एक्स नॉट, ठीक है, इतनी चीज क्लियर। तो आप जानते हैं बर्नौली इक्वेशन में जो प्रेशर रहता है कौन सा रहता है, गेज प्रेशर। जस्ट सिंपल, अगर मेरे को वन पे प्रेशर निकालना हो, पी वन, वन पे प्रेशर निकालना, तो वन पे क्या निकलेगा रो जी एक्स नॉट, तो पी वन बाय रो जी यहां से कितना आ जाएगा आपके पास एक्स नॉट। दूसरी बात, अगर इस पॉइंट पे प्रेशर निकाल ले या इस पॉइंट पे प्रेशर निकाल ले तो क्या हो जाएगा, पी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी रो जी एक्स प्लस एक्स नॉट, तो पी टू अपॉन रो जी आपके पास क्या जाएगा एक्स प्लस एक्स नॉट। सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं ये, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं इस चीज को, जिससे अपना पूरा कवर हो जाए जल्दी की जल्दी। तो पी वन अपॉन रो जी क्या आ गया आपके पास एक्स नॉट, पी टू अपॉन रो जी क्या आ जाएगा एक्स प्लस एक्स नॉट, तो पी टू माइनस पी वन अपॉन रो जी आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स। इसका मतलब क्या है, आपको वेलोसिटी यहां से मिल जाएगी वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू जी, और पी टू माइनस पी वन अपॉन रो जी क्या आ जाएगा पी टू माइनस पी वन रो जी अपॉन एक्स, ये मिल गया एक्स, और यहां से वी वन क्या आ जाएगा आपके पास रूट टू जी एक्स। तो जैसे ही आप पिटोट ट्यूब इंसर्ट करोगे आपको पता है कितना फ्लूड ऊपर राइज कर गया, और जैसे ही एक्स पता पड़ जाएगा, जैसे ही आपको क्या पता पड़ जाएगा जैसे ही एक्स पता पड़ जाएगा, तो जैसे ही आप एक्स इसमें डालोगे आपके पास क्या मिल जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने पिटोट ट्यूब इसमें डाली तो जैसे ही ये फ्लूड था इस पॉइंट पर आके इसकी वेलोसिटी क्या हो गई जीरो, वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो गई, तो प्रेशर क्या हो जाएगा हाई, क्यों, क्योंकि टोटल हेड तो कॉन्स्टेंट रहेगा, प्रेशर ज़्यादा हो गया फ्लूड यहाँ से राइज कर जाएगा। लेट सपोज ये डिस्टेंस एक्स तक राइज कर गया, ये मान लीजिए एक्स नॉट, ये मान लीजिए एक्स नॉट, आपने कुछ नहीं करा, बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करी, वी टू पे वेलोसिटी क्या है जीरो है, स्टैग्नेशन पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है जीरो है, तो ये जीरो टर्म, जेड वन और जेड टू कैंसिल आउट, v1 स्क्वायर अपॉन 2g क्या हो जाएगा p2 माइनस p1 अपॉन रो जी, ठीक है। तो p1 अपॉन रो जी, इस पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालेंगे रो जी एक्स नॉट, तो p1 अपॉन रो जी एक्स नॉट आ गया, यहाँ पर प्रेशर किसके निकालेंगे x प्लस एक्स नॉट के कारण रो जी एक्स प्लस एक्स नॉट। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको फास्ट में बता के ये आ गया, जैसे आपको x मिल जाता है वेलोसिटी में पुट करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो, हाँ, स्टैग्नेशन पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जिनको कुछ दिक्कत हो रही है ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ फ्लूइड डायनेमिक्स में, ठीक है। तो अब क्लासेस रेगुलर लिया करो, बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए कि ये दिक्कत है, और फिर अपन यूज़ करेंगे पिटोट ट्यूब विद यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ फ्लूइड डायनेमिक्स में, जल्दी बताइए वेलोसिटी जीरो क्यों होगा, क्योंकि जैसे ये देखिए ये बिल्कुल जो आपको इतना बड़ा मैंने दिखाया ना ये बिल्कुल कम होता है ये छेद, तो जैसे इसमें आता है ना ये, तो ये जो पार्टिकल होती है इनकी वेलोसिटी क्या होती है जीरो हो जाती है, क्योंकि ये फ्लो से नहीं आ रहा, इनको एरिया मिल ही नहीं रहा जिससे घुस जाइए, ठीक है। तो क्या होगा, इतना कम होता है, पूरा कॉन्वर्ज होकर आता है ये, तो इस जगह पॉइंट पे क्या होती है वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और ये तो कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी जीरो ही, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वो प्रेशर आपको एक्स से मिल गया, और इस कॉन्सेप्ट से आप वेलोसिटी निकाल लोगे, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता कि अपन नदी में जाके पिटोट ट्यूब डाले फिर अपन देखे एक्स क्या आया फिर आप इस फॉर्मूले में पुट करो फिर आप वेलोसिटी बताओ, वो पूरा एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें पूरी से पहले से कोडिंग होती है, बस वो डिफ्लेक्शन देख लेता है अपने आप आपको कैलकुलेट करके दे देता है। हाँ, आगे चलते हैं, ये चीजें मैं बता चुका हूं आपको फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर, जिसको कोई दिक्कत है फ्लूइड डायनेमिक्स लेक्चर देख लेना, अभी जो कॉन्सेप्ट मेरे को बताना है वो बताना पिटोट ट्यूब विद यूट्यूब मैनोमीटर। आगे चलते हैं, देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, यहाँ से x मिल जाएगा, जैसे ही आप x डालेंगे आपको क्या मिल जाएगी वेलोसिटी मिल जाएगी, यहाँ तो पिटोट ट्यूब में तो आप x से निकाल रहे हैं, लेकिन जब पिटोट ट्यूब विद यूट्यूब मैनोमीटर निकालेंगे तो वहाँ पर जो x होगा, यहाँ पर जो काम x कर रहा है वहाँ पर क्या काम करेगा देखते हैं, चलते हैं आगे। हाँ, आगे चलते हैं, सबके आ चुके हैं, देखिए अब आपने क्या किया, ये जो फ्लूइड था ये जो क्या था फ्लूड था, अब आपको निकालनी है वेलोसिटी निकालनी है सेम पिटोट ट्यूब से, तो आप क्या करेंगे पिटोट ट्यूब में यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट कर देंगे। कैसे करते हैं देखिए, क्या सिस्टम रहता है देखिए, ये आपकी पिटोट ट्यूब,
देखिए इसको ऐसे समझिए, लेट सपोज ये कोई पाइप है, पाइप में आपको निकालनी है वेलोसिटी, तो पिटोट ट्यूब का यूट्यूब मैनोमीटर के साथ कैसे यूज करेंगे समझते हैं। देखिए इसमें कुछ भी फ्लो हो रहा होगा, फ्लूड वगैरह, आपको क्या निकालनी है वेलोसिटी। तो पिटोट ट्यूब सारा कंसेप्ट आपको पता पड़ चुका है, यूट्यूब मैनोमीटर के साथ कैसे यूज करते हैं। जैसे ही आप इसमें पिटोट ट्यूब इंसर्ट करोगे, ये आपने क्या करी, पिटोट ट्यूब इंसर्ट करी, ये यूट्यूब मैनोमीटर है, इसके साथ क्या कर दिया, यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देखिए होगा क्या, लेट सपोज ये पॉइंट आपको दे रखा है वन, ये पॉइंट आपको दे रखा है वन, और ये पॉइंट मान लीजिए टू, सेम चीज, कुछ भी नया नहीं है। तो आपको इस पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी। इसमें क्या भरा हुआ था, मैनोमेट्रिक फ्लूड भरा हुआ था, पहले मैनोमेट्रिक फ्लूड भरा हुआ था, कुछ भी मान सकते हैं, जो भी मैनोमेट्रिक फ्लूड हो। जैसे ही ये जो फ्लूड होगा, जो फ्लूड फ्लो हो रहा था इसके अंदर आएगा, जैसे ये फ्लूड फ्लो हो रहा था इसके अंदर आएगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। जो वेलोसिटी जीरो ही वो किस में रिजल्ट करेगा, वो उसका रिजल्ट क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जो मैनोमीटर फ्लूड था उसका जो डिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप का आ जाएगा, क्योंकि इस जगह प्रेशर क्या रह गया, इंक्रीज हो गया, तो कुछ डिफ्लेक्शन ऐसे आ गया। लेट सपोज आपके पास जो डिफ्लेक्शन आया, लेट सपोज ये डिफ्लेक्शन है एक्स, ये डिफ्लेक्शन क्या है, एक्स आ गया, जस्ट सिंपल, कुछ भी नहीं है। तो बस आपको क्या करना है, वही करना है, जो काम उधर एक्स आपको सीधे सीधे मिल रहा था वो आपको इससे निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देख लीजिए, पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, ये लेट सपोज ये डिस्टेंस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वाई मान लीजिए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट से चल के आ रहे हैं, दूसरे पॉइंट पर चल रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। तो यहाँ से चलते हैं पी वन, पी वन प्लस रो जी वाई, जो भी फ्लूड फ्लो हो रहा होगा उसकी डेंसिटी आप मान लीजिए रो, ठीक है, तो y हाइट का है, तो क्या हो जाएगा, p1 प्लस रो जी वाई प्लस मैनोमेट्रिक फ्लूड है, कितनी हाइट तक भरा हुआ है, x हाइट तक, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, प्लस रो m जी एक्स। यहाँ से यहाँ पर आप क्या मार सकते हैं, जंप मार सकते हैं आप, डिस्टेंस टोटल, देखिए फिर बता रहा हूँ आराम से समझो, यहाँ से यहाँ पर आपको चल के आना है, वो इक्वेशन बनानी, सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। P1 लिखोगे, जैसे ही प्रेशर 1 लिखोगे, अब यहाँ से आपको यहाँ तक चल के आना है। अब देखना कौन कौन से किस किस वजह से प्रेशर आ रहा है, तो एक तो ये y हाइट का जो फ्लूड है, कौन सा फ्लूड है जो इसमें फ्लो रहा है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो y हाइट का जो फ्लूड है, लेट सपोज उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी वाई, ठीक है। फिर और नीचे आएंगे, प्रेशर बढ़ेगा तो प्लस आएगा, कितना बढ़ेगा, इस हाइट का जो मैनोमेट्रिक फ्लूड है कितना हो जाएगा, रो जी एच होता है, तो रो एम मैनोमेट्रिक फ्लूड की डेंसिटी क्या हो गई, रो एम जी, कितने हाइट का है, एक्स हाइट का है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर मैं मार रहा हूँ जंप, यहाँ से यहाँ पर आप जब मार रहे हैं, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कितना हो जाएगा, एक्स, और वाई हाइट का कौन सा फ्लूड है, ये वाला, तो माइनस रो जी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू पी टू। यहाँ इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट में, जो बच्चे रेगुलर है उनको पता होगा ये इक्वेशन बनाना मैंने सिखाया था, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत हो जल्दी बताइए, हिंदी में नहीं आता गेट में, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो आते हैं गेट वगैरह में, इनमें इंग्लिश में आते हैं, ठीक है, और मैं केवल टेक्निकल टर्म इंग्लिश में यूज़ कर रहा हूँ, बाकी सब हिंदी में ही है, ठीक है। एसएससी जूनियर इंजीनियर की बात करें तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं आता, बहुत सिंपल आता है, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये गेट के लिए है, और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो भी पढ़ाऊंगा वो तो एसएससी जूनियर इंजीनियर में भर भर के आता है, एसएससी जूनियर इंजीनियर में। कोई डाउट हो जल्दी बताइए, चले आगे, ये चीजें अपन बता चुके हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब कैलकुलेशन करेंगे रो जी वाई से, माइनस रो जी वाई कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा, पी वन इसको ऐसे देखिए, जब इधर कर देता हूं कैलकुलेशन, क्या हो जाएगा, पी टू माइनस पी वन,
पी टू माइनस पी वन इस जगह क्या बचेगा आपके पास, एक तो बचेगा रो एम जी एक्स माइनस रो जी एक्स, ठीक है, तो पी टू माइनस पी वन इज इक्वल्स टू जी एक्स आपने कॉमन लिया रो एम माइनस रो, ठीक है, यहाँ से आप करेंगे पी टू माइनस पी वन अपॉन रो जी इज इक्वल्स टू एक्स रो एम अपॉन रो माइनस वन, बस ये आ चुका, बस ये लास्ट टॉपिक था, ये लास्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, आप चाहोगे कि मैं छोड़ के चला जाऊं, छोड़ नहीं सकते क्योंकि गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो एक्स सीधे मिल रहा था अब क्या होगा, जो ये आपके लिए किसके इक्वल है, जैसे ही आप रखोगे देखो वेलोसिटी क्या होती है रूट टू जी एक्स, अगर आप मैनोमीटर फ्लूइड में यूज़ कर रहे हो यूट्यूब मैनोमीटर यूज़ कर दो टू जी आपके पास आ जाएगा एक्स रो एम अपॉन रो माइनस वन, फिर बता रहा हूँ रो एम क्या है डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड, रो क्या है जो फ्लूड इसमें फ्लो हो रहा था, बताइए कोई कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया, वेंचुर मीटर का भी हो गया पिटोट ट्यूब का भी, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, जो एक दो कॉन्सेप्ट बच रहे थे मैंने आपको बता दिया, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है माइनस फोर डिग्री सेल्सियस पे, अपन प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे अपन, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में आता ही है, बस आपको जैसे डिफ्लेक्शन मिल जाएगा ये सेम कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, वही घूम फिर के बर्नौल इक्वेशन आ रही है, जो सेम कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करा, थोड़ा सा मॉडिफाइड करा है कि यूट्यूब मैनोमीटर के साथ कैसे होता है, एएलपी का होता है सुबह 6 बजे, हाँ एसएससी जूनियर जी के लिए है, बट एसएससी जूनियर जी में ये वाला एक ये सिंगल कॉन्सेप्ट है बस, ये नहीं आता, बाकी सारा एसएससी जूनियर में इतना हाई लेवल का नहीं आता एसएससी, ये गेट के लिए है क्योंकि गेट में 2-3 साल से आ ही रहा है, तो इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि कुछ आपका स्किप नहीं हो जाए, चलिए आगे चलते हैं, बताइए कोई दिक्कत हो तो, फ्लूड हो जाएगा 1:40 पे खत्म आज पूरा, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें जल्दी से, बताओ जल्दी, कुछ भी दिक्कत हो पूछ लो, सेम कॉन्सेप्ट है कुछ भी नहीं है, पिटोट ट्यूब में अब क्या कर दिया अपन ने मैनोमेट्रिक फ्लूड के साथ यूज कर दिया, तो जैसे ही एक्स रखेंगे ये आपको ये मिल जाएगा, मैकेनिकल की 12 PM सैटरडे संडे, चलो क्वेश्चन में लगवा रहा हूं ध्यान से रखना, पी टू माइनस पी वन रो जी एच और पी वन माइनस पी टू माइनस पी वन आएगा भाई, ऑब्वियसली टू पे प्रेशर ज्यादा होगा ना, टू पे प्रेशर ज्यादा की इस वजह से हुआ, इधर वेलोसिटी कम हुई, वेलोसिटी कम हुई तो इस पे प्रेशर ज्यादा होगा ना, तो पी टू माइनस पी वन अपन रोजी, चलो क्वेश्चन देते हैं, चलिए पहले ये क्वेश्चन करिए, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, ये गेट 2017 में आया है, मैं बताता हूँ कौन सी गेट 2017 का है, सेट टू में, सर एक बार क्वेश्चन साफ दिख जाए वो स्विच कर दीजिए, गेट 2017 सेट टू, एक बार क्वेश्चन आराम से पढ़ो, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, सिर्फ एक लाइन का सॉल्यूशन है इसका और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का सॉल्यूशन है, एक बार क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए, देखिए गेट 2017 सेट टू सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का सॉल्यूशन है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर मेजर्स द वेलोसिटी वी ऑफ अ गैस, देखो जो चीज मैं बता रहा था ना जहां पर गलती होती है ध्यान रखना, गैस फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या कर रही है गैस फ्लो कर रही है, तो आपको जो पिटोट ट्यूब विद यूट्यूब मैनोमीटर आपने इंसर्ट कर दिया और आपको वेलोसिटी निकालनी है,
तो आपको जी की वैल्यू दे रखी 9.81। मैनोमेट्रिक जो फ्लूड हो रहा था वो क्या हो रहा है, डेंसिटी जो है मैनोमेट्रिक फ्लूड की वाटर है। तो देखिए फिर बोल रहा हूँ, फिर दूसरी चीज यहाँ पर गलती होती है आपकी, जो मैनोमेट्रिक फ्लूड होता है जरूरी नहीं मरकरी हो, कुछ भी यूज कर सकते हैं। जो मैनोमेट्रिक फ्लूड यहाँ पर यूज करा है वो क्या है, डेंसिटी सॉरी वाटर है जिसकी डेंसिटी 1000 एंड द वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको वेलोसिटी दे चुका है, आपको वेलोसिटी दे दिया, बस ये पूछ रहा है डिफ्लेक्शन, ये एच कितना हुआ होगा। तो जस्ट सिंपल है, आपको भी मैंने फॉर्मूला बताया क्या होता है, आंसर आ जाने चाहिए जल्दी जल्दी, कुछ भी नहीं है। वेलोसिटी क्या होता है, रूट टू जी एक्स डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूड विच इज फ्लोइंग, बस। तो आपको वेलोसिटी दे रखा है, दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो 20 ये क्या हो जाएगा, रूट टू जी एक्स रो एम अपॉन रो माइनस वन। जस्ट आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रखा है, वेलोसिटी आपको दे रखी है, कुछ भी नया हो तो बता दीजिए, सेम कॉन्सेप्ट है। दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 400 इज इक्वल्स टू 2 × 9.81 इंटू एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड आपको दे रखी है 1000 और डेंसिटी ऑफ आपको जो गैस दे रखी है कितनी दे रखी है, 1 दे रखा है, 1 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 400 इज इक्वल्स टू 2 × 9.81 इंटू एक्स इंटू 999 1000 माइनस 1 999। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो क्या जाएगी, 400 अपॉन 2 × 9.81 × 999। ठीक है, ये आपके पास किस में आ जाएगी, मीटर में, और क्वेश्चन में कैसे काई में पूछा, एमएम में। तो जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देना स्टार्ट करिए, बहुत बढ़िया। कैलसी अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है कैलकुलेटर, जस्ट सिंपल है, आपको फॉर्मूला है, आंसर में बताता हूँ क्या आएगा इसका। बहुत बढ़िया, 20.4। और जी आप अपनी मर्जी से 10 मत रख दिया करो, 10 रख दिया, कभी 9 रख दिया, क्वेश्चन में दिया होता है चाहे जी 10 रखना है 9 रखना है, ये अगर नहीं दे रखा हो तो ऑब्वियसली आप 9.81 ही रखिए, अगर नहीं दे रखा है तो। चले आगे, सबके आंसर आना स्टार्ट हो चुके, तो क्वेश्चन में कुछ भी हो तो बता दीजिए, सेम कॉन्सेप्ट है, गेट 2017 में आया, सबके आंसर आ चुके हैं 20.4 mm, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन का मकसद क्या था मेरा करवाने का, फिर बोल रहा हूँ फ्लूड जरूरी गैस भी फ्लूड कर सकती है। अगर इसी जगह आप कुछ बच्चे रट लेते हैं रो एम अपॉन रो है ना, कुछ बच्चे रट लेते हैं एस एम अपॉन एस, जो एस एम अपॉन एस करते हैं ना इधर पूरी गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, ये बिल्कुल बेसिक है, जो बच्चे फाइनल रिजल्ट याद रखते हैं वो एस एम अपॉन एस, अरे वो स्पेशल केस है, वो केवल फ्लूड के लिए है, सॉरी लिक्विड के लिए है, ठीक है। और ये किसके लिए, फ्लूड के लिए, फ्लूड का मतलब चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो उसके लिए बिल्कुल इन जनरल है। आगे चलते हैं, हाँ सबके आंसर आ चुके हैं, बहुत सिंपल है, बाद में देख लेना किसी को दिक्कत हो तो, सबके आंसर आ चुके हैं, नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए इसका आंसर देना स्टार्ट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर स्विच करिए एक बार, मैं बताता हूँ कौन से ईयर में आई है। गेट 2011 2 marks। अब देखो दो दो नंबर कितने हलवे में मिलेंगे आराम से, आपको फाइनल रिजल्ट याद रहना चाहिए बट कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। सर हटा दीजिए, नहीं पढ़ने दीजिए सर, एक बार स्विच रहने दीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले का आंसर देना आप स्टार्ट करिए, कर दीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, पढ़ के बताता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत हो। फिगर शोज दिस स्कीमेटिक सिस्टमैटिक फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर डेंसिटी 1.2 kg/m³ थ्रू अ कॉन्स्टेंट एरिया डक्ट यूजिंग अ पिटॉट ट्यूब एंड अ वाटर ट्यूब मैनोमीटर। द डिफरेंशियल हेड ऑफ वाटर डेंसिटी आपको दे रखी है इन द टू कॉलम्स ऑफ द मैनोमीटर इज 10 mm। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा कर दिया, देखिए आराम से।
फिगर शोज द सिस्टमैटिक फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर, एयर फ्लो हो रही है जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है, थ्रू अ कॉन्स्टेंट एरिया डक्ट यूजिंग अ पिटोट ट्यूब एंड अ वाटर ट्यूब मैनोमीटर, द डिफरेंशियल हेड ऑफ वाटर आपको दे रखी है इन टू कॉलम्स. अब आपको क्या दे रखा है, डिफ्लेक्शन दे रखा है. अब इन दोनों जो ट्यूब में डिफ्लेक्शन कितना हुआ वो दिया है आपको, वेलोसिटी निकालनी है. जस्ट सिंपल है, देखिए आप देख पा रहे हो मतलब कितना दे रखा है, फ्लूड दे रखा, कभी एयर दे रखा है, मैनोमेट्रिक फ्लूड भी मरकरी यूज नहीं कर रहा, तो बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में. इसलिए मैं बता रहा हूँ जो बिल्कुल बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो अपने, कुछ भी फॉर्मूले रट लो अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए. आंसर देना स्टार्ट करिए, आंसर बताता हूं मैं क्या आएगा इसका. आंसर हाँ बहुत बढ़िया दिनेश जी, बहुत बढ़िया ऋषभ जी, बहुत बढ़िया प्रीतम जी, बहुत बढ़िया. सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, कुछ भी नया नहीं हो रहा. फॉर्मूला क्या है बताता हूँ मैं. वेलोसिटी क्या होती है जब यू टू मैनोमीटर से यूज करते हैं, टू जी एक्स रो एम अपॉन रो माइनस वन. ठीक है, वेलोसिटी आपको निकालनी है. वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रूट टू इंटू, अब जी आपको दे रखा है 9.8 इंटू, एक्स आपको किस में दे रखा है, जो डिफ्लेक्शन, एक्स क्या डिफ्लेक्शन माना था अपन ने 10 mm दे रखा है, जब मीटर में चेंज करेंगे 10 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड क्या है, 1000 अपॉन 1.2 माइनस वन. जस्ट इसको सॉल्व करिए, सिंपल कैलकुलेशन है, फिर उसका क्या कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए. नाइन पॉइंट एट रखना है आपको. देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 9.8 दे रखा है. अब 10, 9.81 ये मत रखना, 9.8 दे रखा है तो ये रखिए. फोर्टीन नहीं आएगा रुस्तम जी, बिल्कुल सही है, 12.8 आएगा. जिनका भी 12.8 आया बिल्कुल सही है. देखिए आपने डेंसिटी हो सकता है 1 रख दियो, 1.2 दे रखी है. आगे चले, 12.8 आ जाएगा सी ऑप्शन. 14 कहां से आएगा, 14 तो ऑप्शन में नहीं है. ट्वेल्व पॉइंट सेवन सेवन के आसपास आएगा, तो 12.8 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, नियरेस्ट यही है. चलिए आगे चलते हैं. गेट 2000 बताया था आपको 15 का ही है ये गेट 2000 11 सॉरी. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, आगे चलते हैं. पता है ना मुझे गलती कहाँ होगी, बच्चे बोल रहे हैं सर मैंने 1.2 से 1 रख दिया, मुझे पता है गलती कहाँ हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिया करिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे, सर एक बार स्विच करिए. क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ. अब पेंडल ट्यूब, अब आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे ट्यूब क्या है, तो ब्रैकेट में आपको लिख रखा है पिटोट स्टैटिक ट्यूब. ठीक है, विथ सी इज इक्वल्स टू 1 इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ वाटर, द डिफरेंशियल मैनोमीटर रीडिंग्स इज 10 mm ऑफ लिक्विड कॉलम विद अ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 10, अज्यूम जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन मीटर पर सेकेंड. ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड बताइए. गेट 2015 सेट 3, सर स्विच कर दीजिए. 15 सेट 3 सेट 3 2 मार्क्स. अब देखो दो दो नंबर के क्वेश्चन कैसे आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से. तो सिंपल कब लगेंगे, जब आप ढंग से पढ़ोगे.
बहुत के आंसर भी आना स्टार्ट हो गया। पहले बताइए क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही है, प्रैंडल ट्यूब क्या होता है, जस्ट ब्रैकेट में लिख दिया पिटोट ट्यूब ही है, और विथ सी क्या बोला है वन, क्योंकि आपने आपको पता होगा जब मैंने डिस्चार्ज पढ़ाया था आपको तो एक टर्म बताया था कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, और मैंने आपको जब भी बताया था इतना नहीं आता गेट में, जस्ट मैं आपको टर्म बता रहा हूँ गेट में जस्ट बिल्कुल सिंपल आता है, तो वो सी बराबर वन रखा है। सब कुछ छोड़ो आप तो इस क्वेश्चन पे आओ, एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग में मैंने बता दी ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता विद यूट्यूब मैनोमीटर, इतना हार्ड नहीं आता है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कभी मेंस वेंस दो एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग के पूरा। तो आंसर मैं बताता हूं क्या आएगा, हाँ बहुत बढ़िया प्रीतम जी, बहुत बढ़िया कुमार जी, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन तो मिस्टेक मत करो, देखिए वेलोसिटी ऑफ वाटर पूछा है, अरे जस्ट पिटोट ट्यूब है, जस्ट फॉर्मूले पुट करो रूट टू जी एक्स, अब बार बार वो नहीं फिगर बना रहे हो आप, वो ध्यान रख दो, जस्ट ये फॉर्मूला याद रखो, लेकिन फॉर्मूला के साथ कॉन्सेप्ट क्या था मैंने आपको बता दिया, टू इंटू जी कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 9.8 दे रखा है, ठीक है। आपको देखिए क्या बोल रहा है, यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ वाटर मेजर कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्मूला को एस एम अपॉन एस, क्योंकि दोनों चीज मैंने आपको बता दी किस वजह से आया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 9.81, इसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या दे रखी है जो फ्लो हो रहा है, ए पेंडल ट्यूब इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो इसकी क्या हो जाएगी 1, और बात करें जो मैनोमेट्रिक फ्लूड है उसकी क्या दे रखी है 10 दे रखी है, 10 माइनस 1, सॉरी मैनोमेट्रिक फ्लूड के ऊपर आएगी ना 10 माइनस 1 होगा ये 10 अपॉन 1 माइनस 1, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए जस्ट सिंपल। अब क्या दे रखा है रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, तो क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी का क्वेश्चन आया बच्चों ने फॉर्मूले रटने स्टार्ट कर दिया एस एम अपॉन एस, तो देखिए तो सरी की कितना कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये चीज है ये, इसमें कोई दिक्कत हो बताइए थोड़ा सा, बस आपको क्या करना है डेंसिटी और मरकरी अपॉन डेंसिटी है तो दोनों साइड अपन वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सॉरी, तो ऊपर क्या बन जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड, नीचे क्या बन जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूड जो फ्लो रहा है, इधर तो क्या वाटर ही है तो इधर वाटर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसकी क्वेश्चन में दे रखिए 10, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.38 के आसपास, 1.328। बताओ कोई दिक्कत हो तो 1.328, के आसपास आएगा, जल्दी करिए अपन को क्लास कंप्लीट करके फिर वो करनी है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन स्टार्ट करनी है। एक्स कहाँ गया, हाँ एक्स मल्टीप्लाई होगा ना इधर, एक्स होगा ना मल्टीप्लाई, एक्स डिफ्लेक्शन कितना दे रखा है आपको 10 mm दे रखा है डिफरेंशियल में, तो 10 अपॉन 1000, ठीक है ना, एक्स तो आएगा ही, इसको सॉल्व कर लेना 1.328 आएगा, चेक करिए, अरे भाई 10 माइनस 1 ये 9 हो गया, 9 का 3 3 18, 18 अप्रोक्सीमेट 4 4 12 10 अपॉन 1000 भी तो है, 1.328 के आसपास ही आएगा, हाँ ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट, अब अपन चलते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन में, दो कंप्लीट कराते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे आज से, ठीक है जल्दी जल्दी समझ लो, हेडिंग डाल लो जल्दी से वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, फ्लूड काइनेमेटिक्स के टॉपिक है ये, आपके जो बचाए थे वो फ्लूड डायनेमिक्स के थे जो स्किप्ड हो चुके थे, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन स्टार्ट कर लो 20 मिनट में हो जाएगा जल्दी, फिर अपन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे 10 मिनट का ब्रेक लगे, तो हेडिंग डाल लीजिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है। देखो लिखने में टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि मैं इसकी आपको पीडीएफ दे दूंगा, जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना वाईफाई स्टडी ऐप, ठीक है। देखो क्या होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, होता क्या है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई, फ्लूइड काइनेमेटिक्स का टॉपिक है, फिर बता रहा हूं मैं
अब इधर ध्यान दे दो सब, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई क्या होता है, ये एक ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया था थोड़ा लेकिन बहुत जल्दी बताया था। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन है जो एक 3D के लिए डिफाइंड है, जो थ्री डायमेंशन के लिए क्या है डिफाइंड है। तो ये फंक्शन क्या बोलता है, जस्ट ऐसे बोलता है, जो भी चीज़ बोला हो मैं आपको नोट में लिखा दूंगा, अभी मेरे पास नोट है, कि नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन विल गिव द वेलोसिटी वेक्टर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या बोला मैंने, फिर बोलता हूँ, नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन विल गिव द वेलोसिटी वेक्टर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब क्या है, कुछ इस पे मत जाइए, जस्ट याद रखिए, अगर इसका आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी एक्स डायरेक्शन में। यू आपको फ्लूइड काइनेमेटिक्स बताता हूं, यू क्या है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वी क्या है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, डब्ल्यू क्या है वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। तो अगर इस फंक्शन का नेगेटिव आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई के रेस्पेक्ट में जो आपकी वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में वो आपको वो मिलेगी। अगर इस फंक्शन का आप जेड डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी जेड डायरेक्शन में, वो क्या है डब्ल्यू, तो यू वी डब्ल्यू। इतनी चीज क्लियर, जल्दी बताइए, कुछ भी नहीं है इस, देखिए ये वाला जो टॉपिक है ना, दो टॉपिक ये रटने के, अभी आपको पता पड़ जाएगा क्यों रटने के, कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया रखा हूँ, लास्ट में आपको दो चीज़ें रटनी पड़ेगी क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया इसमें गेट में। और मैं आपको बताऊँ, ये टॉपिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बच्चों को समझ में आता है, क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, फ्लूड मैकेनिक्स का, क्योंकि फ्लूड काइनेमेटिक्स जब स्टार्ट हुई थी मैंने तब भी बताया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो गेट होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होती है बहुत ज़्यादा कॉमन है, वेक्टर वाला आप जो पार्ट पढ़ोगे ना इससे बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा। तो फ्लूड काइनेमेटिक्स से आप कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या है, ये चीज़ हो गई, ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया। इसकी मैं आपको क्या बताता हूँ, पहले डेफिनेशन बताता हूँ, देखो सर स्विच करिए, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, पोटेंशियल फंक्शन फाई इज डिफाइंड फॉर 3D फ्लो इन सच अ वे दैट द नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी कंपोनेंट इन दैट डायरेक्शन। जो भी चीज़ मैंने बोला आपके पास स्क्रीन पे आ चुका है, इस जगह आ चुका है, तो देखिए, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, आपके स्क्रीन पे रहेगा, PDF भी आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। देखिए तो होगा क्या, आपने क्या बोला था अभी, माइनस डेल फाई जो भी इसमें लिख रखा है, मैंने जस्ट एक लिख दिया माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू यू, माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू वी, माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब अपन ने फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ा था, ठीक है, जब आपने फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ा था तो आपने एक स्टेडी आपने फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ा था, मैंने आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन बताई थी ना, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ये किसके लिए वैलिड है जल्दी से बता दो, डेल यू अपॉन डेल एक्स, अब पता पड़ेगा आपको कितना याद है कितना रिवाइज है, डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। ये तो मैंने मान लिया है कंटिन्यूटी इक्वेशन है, बट ये वैलिड किसके लिए है, ये क्या सब चीज के लिए वैलिड है, इन जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। फिर बता रहा हूँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। तो ये किस किस के लिए वैलिड है जल्दी बताइए। हाँ, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड पूरा आपको रटना है और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उसमें कौन आपकी कैलकुलेशन है मैथ्स और कुछ भी नहीं है उसमें। तो लेकिन जो दो तीन पॉइंट बताऊंगा बिल्कुल आप ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब कहने लग गए, मतलब पढ़ तो रहे हो आप, है ना। तो ये होता है, मैंने आपको बताया था स्टेडी, देखिए एक चीज बताऊंगा आपको, चलो मैं लास्ट में पॉइंट लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। कंप्रेसिबल के लिए भी यही बनेगी, क्यों, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ वैसे मैं बता चुका हूँ, तो आप लिख लो इस जगह स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल, वैसे मैंने आपको बता दी थी स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल,
ठीक है, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल। तो आप क्या करोगे, मैंने लिख दिया डेल अपॉन डेल एक्स, यू की जगह मैंने क्या लिख दिया माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई वी माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, डब्ल्यू को मैंने लिख दिया माइनस डेल फाई अपॉन डेल अपॉन डेल जेड, डब्ल्यू को मैंने क्या लिख दिया माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू जीरो। ये चीज मैंने लिख दी। मैं कुछ नहीं जानता इस इक्वेशन का, अभी इन दोनों से कुछ मतलब नहीं है। ये तो मैं इन जनरल मानता हूं, ये जो इक्वेशन है वो किसके लिए होती है, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल। तो आपने क्या किया, डेल अपॉन डेल एक्स यू की जगह जस्ट ये पुट किया है। अभी इस इक्वेशन का इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो इन जनरल स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल के लिए आपने इक्वेशन लिख चुके हैं। तो जैसे ही आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, माइनस कॉमन लोगे दोनों साइड से तो आपके पास क्या बचेगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। कुछ भी नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, थर्मल की क्लास बाद में होगी, पहले फ्लूइड मैकेनिक्स तो पढ़ लो। ठीक है, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, फिर बोल रहा हूँ बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इससे, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन। जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो बिल्कुल रट लेना बिल्कुल, और आपको पता भी पड़ेगा वो पॉइंट आए कहाँ से। ठीक है, रट तो लेते हो आप, लेकिन पॉइंट आए कहाँ से वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको। ये सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक चीज़ बताइए, अभी आपके पास इक्वेशन आई डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल स्क्वायर एक्स प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप डेल ऑपरेटर जानते हो, डेल ऑपरेटर एक होता है, ये क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो डेल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, डेल डॉट डेल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर वाई प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये जानते हो ये, तो इसको आप इसको करके देखोगे, मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो, जस्ट कैलकुलेशन है, आपको मैथ्स आनी चाहिए, ये आपने पढ़ा है टेंथ इलेवंथ में खूब पढ़े हैं। डेल क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, जब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो। बताओ, कैलकुलेशन करना सीखो तो, आप कैलकुलेटर चलाना सीखो, उसी से आएगा आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक कहा गया, इन्होंने नाम भी बता दिया इस इक्वेशन का। तो ये जो इक्वेशन होती है इसको बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लाप्लास इक्वेशन। म्यूट करिए एक बार, म्यूट। ठीक है, इस इक्वेशन को बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, क्योंकि अपन को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करना है। ठीक है, वो 2 बजे से अपन स्टार्ट कर लेंगे। तो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या है, अगर फाई जो फाई क्या है अपना पोटेंशियल फंक्शन है, स्ट्रीम वो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है,
अगर इस पोटेंशियल फंक्शन ने ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड कर दी, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या है, अगर डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो आ गया, अगर इस फाई ने लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड कर दी, तो मैं बोल दूंगा फ्लो कौन सा है, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल। क्योंकि मैंने स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन ली, जाके देखा तो मेरे को लाप्लास इक्वेशन मिल गई। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये फाई लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड कर देगा, तो अपन को फ्लो कौन सा मिल जाएगा, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, ये नोट में लिखवा दूंगा मैं, आप भी लिख लीजिए। अगर आपको दिख रहा है अगर फाई ने ये लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड कर दिया तो फ्लो कौन सा हो जाएगा, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल। बताइए कोई दिक्कत हो तो जल्दी जल्दी चलिए, ये क्या हो जाएगा, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल। बात करते हैं आगे, रोटेशनल फ्लो के लिए, टू डायमेंशनल रोटेशनल फ्लो के लिए क्या होता है, ओमेगा जेड क्या होता है, हाफ डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। आप थोड़ा सा इसको बाद में देख लेना क्योंकि थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं, क्योंकि आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपको स्टार्ट करना है अपन को 2 बजे से पहले पहले। ठीक है, तो ओमेगा जेड क्या हो जाएगा, हाफ डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी डेल यू अपॉन डेल वाई। फिर क्या हो जाएगा, ओमेगा जेड हाफ डेल अपॉन डेल एक्स, वी को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई, यू को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स। इतनी चीज क्लियर, तो यहाँ से ओमेगा जेड क्या हो जाएगा, हाफ माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये दोनों टर्म इक्वल रहते हैं, डेल क्या ये दोनों टर्म इक्वल होते हैं क्या, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स, क्या ये दोनों इक्वल रहते हैं क्या, आप मुझे बताइए जल्दी, इन दोनों में बताइए ये दोनों टर्म क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं क्या, ये टर्म और ये टर्म क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं क्या, ये और ये क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं क्या, जल्दी से बता दो। ये टर्म और ये टर्म इक्वल रहते हैं क्या, बहुत बढ़िया अथर जी, बहुत बढ़िया। देखिए ये टर्म इक्वल कब होता है, जब फाई ये जो फंक्शन है जब कंटिन्यूस हो, ये फंक्शन क्या है, अगर कंटिन्यूस हो तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल रहते हैं, अगर क्या है अगर कंटिन्यूस होता है उसी केस में क्या रहता है, इक्वल रहता है। और मैंने आपको पहली लाइन ही बोलती है, एक ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन है जिसके ऐसा डिफाइंड है 3D में ये वो, तो फाई क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो आपको ये क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा जीरो, आपको क्या मिल जाएगा जीरो, प्लस माइनस होकर क्या हो जाएगा जीरो। तो आपके पास ओमेगा जेड क्या आ जाएगा, और ओमेगा क्या बताता, रोटेशनल टेंडेंसी बताता, रोटेशनल टेंडेंसी इसका मतलब जीरो आ गया। तो ये क्या हमेशा जीरो आएगा क्या, ये टर्म हमेशा जीरो आएगा क्या, बिल्कुल हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि एक कंटिन्यूस फंक्शन है, लास्ट में जाके कैंसिल हो जाएगा, ये हमेशा जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है, जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो हमेशा किसके लिए होता है, इरोटेशनल फ्लो के लिए, वो हमेशा किसके लिए एग्जिस्ट करता है, केवल और केवल इरोटेशनल फ्लो के लिए। इसलिए इरोटेशनल फ्लो को आप बोल सकते हैं पोटेंशियल फ्लो भी, ठीक है। इसलिए इरोटेशनल फ्लो का एक नाम और है, वो क्या है, पोटेंशियल फ्लो, क्योंकि आपको पता है ये रोटेशनल क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो रहेगा। तो जो फाई है हमेशा किसके लिए एग्जिस्ट करता है, ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो। क्यों, क्योंकि अगर इसके पास कुछ रोटेशनल टेंडेंसी होती तो ये जीरो नहीं आता, जीरो आ गया इसका मतलब ये क्या है, इरोटेशनल है। और फाई किसके लिए एग्जिस्ट करता है, ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो, फाई किसके लिए एग्जिस्ट करता है, ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो। और ये क्या करता है,
तो दो इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि फाई किसके लिए एग्जिस्ट करता है, इरोटेशनल फ्लो के लिए, इसलिए इरोटेशनल फ्लो को आप क्या बोलते हैं, पोटेंशियल फ्लो भी, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसमें तीन पॉइंट आ चुके। पहली बात ये क्या है, ये 3D के लिए डिफाइंड है, तीनों डायमेंशन के लिए। दूसरी बात क्या है, अगर फाई ने लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड कर दी तो फ्लो कौन सा हो जाएगा, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फाई हमेशा किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, इरोटेशनल फ्लो के लिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर चौथी इंपॉर्टेंट क्या है, इरोटेशनल फ्लो के लिए एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल फ्लो भी। तो जो भी चीज मैंने बोली मैं आपको नोट में लिखवा रहा हूं, देखिए। देखो एक तो ये आप नोट में लिख लीजिए, ये आपके पास आ चुका, फाई स्विच कर दीजिए। पहला क्या है, फाई एग्जिस्ट ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो, देयरफॉर इरोटेशनल फ्लो इज नोन एज पोटेंशियल फ्लो, पहली चीज ये। दूसरी चीज क्या है, फाई डज नॉट एग्जिस्ट फॉर रोटेशनल फ्लो, फाई ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल फ्लो भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। ये पोटेंशियल फ्लो की बात हो चुकी, थोड़ा सा स्पीड पर करते हैं, अब अपन चलते हैं स्ट्रीम फंक्शन पे, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है, स्ट्रीम फंक्शन क्या है, देखिए देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आज अपन को स्टार्ट करना है, सोमन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, वरना वो छूट जाएगा। और इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कैलकुलेशन है, देखिए। अब स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन इसको रिप्रेजेंट करते हैं साई से। तो ये क्या है, ये भी एक ऐसा कंटिन्यूस फंक्शन है, ये किसके लिए डिफाइंड है, ओनली फॉर टू डायमेंशनल फ्लो। ये किसके लिए डिफाइंड है, ओनली फॉर टू डायमेंशनल फ्लो। इसका मतलब क्या है, ये बोलता है डेल साई अपॉन डेल एक्स, अगर किसी डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसके वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की आपको वेलोसिटी देगा। तो डेल साई अपॉन डेल एक्स क्या आता है, वी आता है, बस आपको ये याद रखना है। और डेल साई अपॉन डेल वाई क्या होता है, माइनस यू। अभी माइनस माइनस का चक्कर कैसा है, डायरेक्शन होता है कि क्लॉक वाइज लेते हो, आपको कुछ भी मतलब नहीं है, जस्ट आपको ये दो क्वेश्चन याद रहने चाहिए, डेल साई अपॉन डेल एक्स इजिकल्स टू वी और डेल साई अपॉन डेल वाई इजिकल्स टू माइनस यू। तो ये किसके लिए डिफाइंड है, 2D के लिए। तो आप सेम कॉन्सेप्ट करते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन किसके लिए है, स्टेडी के लिए, इनकम्प्रेसिबल के लिए और 2D फ्लो के लिए, ठीक है। 2D फ्लो के लिए है ये। तो आप जब इसमें पुट करेंगे तो आपको कुछ क्या मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और वो रिजल्ट मैं अब आपको सीधे बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो कैलकुलेशन है, करने का टाइम नहीं है, आप बिल्कुल करिएगा। डेल अपॉन डेल एक्स यू की जगह आप क्या रखेंगे, माइनस डेल, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, तो रिजल्ट्स मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से बताइए, ये कोई दिक्कत, ये मैं आपको स्किप कर सकता हूँ, मैं आपको नोट लिखवा दूंगा, कुछ भी नहीं है। देखिए नोट में होगा क्या, ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या बताया, फाई किसके लिए डिफाइंड है, 3D के लिए। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, पहला डिफरेंस क्या हो गया कि जो फाई है, पोटेंशियल फंक्शन है, वो किसके लिए डिफाइंड होता है, 3D के लिए। अगर बात करें स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन किसके लिए डिफाइंड होता है, 2D के लिए। दूसरी चीज क्या है, जो फाई होता है, वो फाई क्या होता है, अगर उसने लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड कर दी, अगर उसने लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड कर दी तो फ्लो अपना बन रहा था स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल। तीसरी चीज क्या है, वो केवल किसके लिए एग्जिस्ट करता है, इरोटेशनल फ्लो के लिए। वो किसके लिए एग्जिस्ट करता है, ओनली फॉर इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। सेम चीज स्ट्रीम फंक्शन में क्या है, पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, ये 2D के लिए डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है, ये दो इक्वेशन मैंने आपको बता दी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे वो इरोटेशनल के लिए डिफाइंड था, वैसे ये स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल के लिए डिफाइंड है, ओनली फॉर, ये किसके लिए, स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल। जैसे फाई पोटेंशियल फंक्शन लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड करने पर फ्लो इरोटे, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड करने पर जैसे वो स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल हो रहा था, सिमिलरली अगर इसने लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड कर दी, अगर इसने लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड कर दी तो फ्लो आपका बनेगा इरोटेशनल। जस्ट सिंपल सी चीज है, मैं आपको नोट बता रहा हूं, देखिए। देखिए जो भी चीज बताई पहले उसकी डेफिनेशन स्विच करिए सर। स्ट्रीम फंक्शन साई इज डिफाइंड फॉर 2D फ्लो इन सच अ वे
दैट डेरिवेटिव ऑफ साई विद रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी कंपोनेंट इन ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, बताइए। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो चुकी। ये एसएससी जूनियर इंजीनियर के लिए नहीं था, ये सिर्फ गेट के लिए था। अब एसएससी जूनियर का जो सॉम का बचा हुआ पार्ट है पूरा एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग ओरिएंटेड है वो, ठीक है। ये सिर्फ गेट में आता है इसलिए मैंने पहले थोड़े स्किप करे थे, बट आपको पूरा करना चाहिए गेट वालों के लिए, है ना। ये स्ट्रीम फंक्शन की डेफिनेशन आ गई, कुछ नोट है, स्विच करिए। जो चीज मैंने बोली, इफ साई सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन देन द फ्लो विल बी रोटेशनल। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ साई डज नॉट सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन देन द फ्लो विल बी रोटेशनल फ्लो। तीसरा क्या है, साई में एग्जिस्ट फॉर इरोटेशनल एंड रोटेशनल फ्लो डिपेंड्स ऑन वेदर इट सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशन और नॉट। ठीक है, जो भी चीज मैंने बताई वो आपकी नोट है, ये आपका काम, इतना सा आप कर लीजिएगा। जस्ट कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको 2 बजे अपन वो स्टार्ट करना है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, इसलिए ये एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग के लिए नहीं है। ये एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग में नहीं आता, केवल और केवल गेट में आता है। क्लियर? तो जो भी नोट है आपको पूरा पीडीएफ मिलेगी, आप परेशान मत होइए। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूं मैं आपको, देखिए आपने पढ़ा था ओमेगा, पढ़ा था ना रोटेशनल कंपोनेंट, वो क्या होता है ओमेगा? मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था ओमेगा? मैंने आपको बताया था क्या होता है, हाफ ऑफ कर्ल ऑफ वी। ये आपको मैंने बताया था, नहीं बताया था? हाफ ऑफ कर्ल ऑफ वी। सिमिलरली एक वॉर्टिसिटी, एक नया टर्म है, कुछ भी नहीं है, वॉर्टिसिटी, ठीक है। इसको जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जीटा क्या है, जस्ट टू डबल ऑफ दिस ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जीटा आपका क्या बन जाएगा, कर्ल ऑफ वी, ये आपका बन गया जीटा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, जीटा क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ वी। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आई जे के, पहले बताया था मैंने कर्ल कैसे निकालते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, यू वी डब्ल्यू, बताइए कोई दिक्कत हो तो। बस सिंपल है, वॉर्टिसिटी जस्ट डबल ऑफ ओमेगा। ये चीज मैंने आपको वॉर्टिसिटी शायद एक टर्न छोटा सा था, तो ये क्या होता है, डबल ऑफ ओमेगा होता है। जल्दी से बताइए कोई दिक्कत, स्पीड आपको थोड़ी सी तेज लगी लास्ट में, जल्दी से बताइए, क्योंकि ये जस्ट कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, वरना कॉन्सेप्ट होता है तो मैं कभी भी स्पीड में नहीं चलता, चला के मैं स्लो बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो। ये जस्ट कैलकुलेशन है, जल्दी से बताइए। प्रीवियस क्लास में केवल यहाँ तक हुआ था हाफ ऑफ कर्ल ऑफ वी, तो मैं जस्ट इसलिए आपको बताया ये चीज। चले एक क्वेश्चन दूं मैं, वर्टिसिटी पे आया हुआ है क्वेश्चन है, जस्ट आपको कैलकुलेशन करनी, कर्ल ऑफ वी निकालना है, ठीक है ना। वेलोसिटी वेक्टर आपको दिया होगा, कर्ल स्लोप डिफ्लेक्शन, अभी 2 बजे स्टार्ट करते हैं, इसको पूरा कंप्लीट करके, ये हो चुका है, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। चलिए क्वेश्चन ट्राई करिए, गेट में आया क्वेश्चन है, सर स्विच करिए। क्वेश्चन बताता हूँ आपको, गेट में आया 2 मार्क्स का, यह 2015 का है, 2015 या 13 का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। जस्ट आपको क्या निकालना है, वॉर्टिसिटी वेक्टर। वॉर्टिसिटी वेक्टर क्या होता है, कर्ल ऑफ वी, कर्ल ऑफ, तो क्या हुआ हो जाएगा, आई जे के कैप डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, यू वी डब्लू, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी से, इसमें आप कुछ ना कुछ गलती करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, यू की वैल्यू कितनी है, 2xy
वी की वैल्यू कितनी रखी है माइनस एक्स स्क्वायर जेड और डब्ल्यू की वैल्यू जीरो। इसको सॉल्व करके आंसर बताइएगा आप। वोर्टिसिटी एक जस्ट एक टर्म डिफाइंड है, जैसे ओमेगा था ना वो तो फिर भी टेंडेंसी बताता है रोटेशनल, ये क्या है जस्ट एक टर्म डिफाइंड है डबल ऑफ ओमेगा जो अपन ने करा था ना, तो ओमेगा क्या होता है हाफ ऑफ कर्ल ऑफ वी, तो इसका डबल करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा कर्ल ऑफ वी, बस ये याद रखो ठीक है। कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक नया नया टर्म बना लेता और क्या। इसका ऑप्शन बताइए अगर आप कर सकते हो तो, वरना होमवर्क है आप ट्राई करिएगा। वोर्टिसिटी मैंने बताया ना कोई एक नया जस्ट एक टर्म डिफाइंड किया कर्ल ऑफ वी नाम से, उसका डबल है जस्ट वोर्टिसिटी बता भाई। ऑब्वियसली कर्ल ऑफ ये बताएगा तो सेम की कितनी रोटेशनल टेंडेंसी, अगर ये जीरो आ जाएगा कर्ल जीरो आ जाएगा तो यानी वो रोटेशनल ही नहीं है। ये मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बताऊंगा, ये चीज़ें वापस आएगी देखना आप। सी ऑप्शन बहुत बढ़िया। तो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है ठीक है, जहां तक पूरा हुआ 99% तक मैंने कवर करा। आप बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक की तरफ मत भागो आप, क्योंकि वो 10 साल में एक बार आता है, 15 साल में अगर ऐसे करने लगे ना फ्लूइड मैकेनिक्स से आपकी एक एक साल चल जाएगी ये ठीक है। तो मैंने आपको सारे टॉपिक करवा दिए हैं। अब कोई बच्चे बोलते हैं सर ये अभी एक सिफॉन ट्यूब बोल रहा है, सिफॉन ट्यूब अपने मैकेनिकल में है कहाँ, एक बार आया था उसमें कॉन्सेप्ट देखोगे वही बंडोली लग रही है कुछ भी नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे कभी जिंदगी में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ना कभी जिंदगी में एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, पूरा आपको मैंने करवा दिया है। अब जो चीज़ें 20 साल में एक बार आ रही है उसके लिए आप चाहते हो मैं एक एक दो दो घंटे पढ़ाऊँ तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, लास्ट में टाइम बचेगा। तो जो जैसे छोटे छोटे जैसे मैंने आपको टर्बुलेंट फ्लो बताया 15 साल में एक बार क्वेश्चन आया गेट में, अब वो उसके लिए अपन दो घंटे वेस्ट करेगा। और आप कॉपी आप नोट से देखोगे ना जैसे बुक वुक में देख लोगे सिर्फ 5 मिनट का, उसमें कुछ भी नहीं है, 2-3 फॉर्मूला है ठीक है। तो ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट। अपन सर टाइम 2 बजे स्टार्ट करेंगे फिक्स, 2 बजे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन स्ट्रेंथ तो मटेरियल स्टार्ट हो जाएगी जो बचा हुआ था ठीक है ना। 2 PM पे आप आ जाइए, जो भी खाना वाना आपको खाना है ब्रेक वेक ले लीजिए, 2 बजे अपन मिलते हैं। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले बोलता हूँ, छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी चाहे ऐसे जूनियर इंजिंग हो कुछ भी हो, 2 बजे मिलते हैं ठीक है। तो बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, मिलते हैं 2 बजे, बाय।